श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानी विक्रमसिंघे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में आज विशेष बैठक की। आजाद उम्मीदवार सुभाष शर्मा ने वार्ड 36 में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। आज निकाय चुनाव के नतीजों में जम्मू में बीजेपी ने 43, कांग्रेस ने 14 और आजाद उम्मीदवारों ने 18 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी ने तिली बस्ती बड़ी ब्राह्मणों में एक व्यक्ति को 1 किलो पॉपी सिट्रा के साथ मौके पर गिरफ्तार किया। निकाय चुनाव के नतीजों में आज रामनगर में बीजेपी 7, नेशनल पैंथर पार्टी 5, इंडिपेंडेंट 1, चिनैनी में बीजेपी 3, आजाद उम्मीदवार 3, कांग्रेस 1, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में बीजेपी 4, कांग्रेस 2, नेशनल पैंथर पार्टी 6, इंडिपेंडेंट 9, जोरिया में कांग्रेस 4, बीजेपी 2, इंडिपेंडेंट 1, बसोली में इंडिपेंडेंट 4, कांग्रेस 4, बीजेपी 5, सुरनकोट में इंडिपेंडेंट 12, कांग्रेस 1, बीजेपी कोई सीट नहीं। राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को अपने सलाहकार खुर्शीद अहमद गनाई को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया। आजाद उम्मीदवार जुनैद मट्टू ने श्रीनगर के वार्ड 14 से निकाय चुनाव में जीत हासिल की। लेह में कांग्रेस की जीत का परचम लहराया, 13 की 13 सीटों पर कांग्रेस की शानदार जीत। जम्मू कश्मीर और कटरा में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की नीति को बहाल करने के लिए सरकार ने आज फैसला लिया। सीनियर कांग्रेस लीडर तारिक अहमद करा की पत्नी वार्ड 31 श्रीनगर से अपना चुनाव हार गई। बीजेपी के बशीर अहमद मीर ने वार्ड नंबर 74 बागी मेहताब श्रीनगर से जीत हासिल की। कांग्रेस की उम्मीदवार नाजिया ने वार्ड नंबर 17 हुमावा श्रीनगर से जीत हासिल की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉर्मर पुलिस कश्मीर एसए वटाली ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता करते हुए होने वाले जश्न डल और शिकारा रेस 2018 के बारे में जरूरी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर प्रांत के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कश्मीर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार केसर की घाटी में कमल खिला है। निकाय चुनाव में कई जगहों पर जीत हासिल करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान जीए मीर ने प्रेस वार्ता की और उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी। एनएचयूट्यूब पर कंपटीशन प्रमोशन द्वारा कल ओसिस हाई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली छात्रों के साथ साथ आईएएस केएएस एस्पिरेंट्स भी हिस्सा लेंगे। आईएएस टॉपर टीना धाबी, अथर आमिर और बाकी इन छात्रों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे।